आज मैं देखता हूं मुस्लिम नौजवान, खासकर मुस्लिम नौजवान बहुत बेदार है, बेचैन है। वो कभी कभी मैं देखता हूं वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का वीडियो शेयर करता है, मैं कभी कभी देखता हूं वो सऊदी के किंग का वीडियो शेयर करता है। आप इस बात को समझो, इंडिया का मुसलमान 30 करोड़ की तादाद में है। ये 30 करोड़ की तादाद में रहने वाले मुसलमानों को 20 करोड़ की तादाद का पूरा देश का लोग आकर क्या आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? आपके प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करना चाहिए। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई पड़ोस के मुल्क से नहीं आएगा। आप ये बात भी समझ जाओ, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी है, ये इंटरनेशनल सियासत ऐसी है। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीर के बारे में बात करेगा, मगर चाइना जो जुल्म करता है वहां के वीगर मुसलमानों के ऊपर, वो कश्मीर से कितने की गुना ज्यादा जुल्म चाइना करता है, मगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उसकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। वैसे ही आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में, हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर सऊदी के किंगडम से बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड देकर भेजे। क्यों देकर भेजे? इसलिए देकर भेजे कि हमारा देश सऊदी का सबसे बड़ा पेट्रोल कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा पेट्रोल हमारा देश लेता है। तो आप इस बात को समझो, आपके लिए ना कोई पाकिस्तान आकर लड़ेगा, आपके लिए ना कोई सऊदी का किंग आकर लड़ेगा, आपके लिए आपका संविधान लड़ेगा। इस संविधान को मजबूत से पकड़ो, आप इस संविधान के रास्ते में लड़ो, आपको इस देश में इज्जत की जिंदगी मिलेगी। और याद रखो, ये क्रूशियल जंक्शन में जो हिंदुस्तानी मुसलमान तय करेगा, जो काम करके जाएगा, वो तारीख फैसला करेगी कि इंडियन मुस्लिम्स विल सेट एन एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे अमेरिका जैसा डेमोक्रेसी के लिए, यूरोप जैसा डेमोक्रेसी के लिए, ऑस्ट्रेलिया जैसा डेमोक्रेसी के लिए, कि आरएसएस जैसा एक जालिम आया था, उस जालिम को वहां के मुसलमान टेररिज्म का रास्ता नहीं निकाले, एक्सट्रीमिज्म का रास्ता नहीं निकाले, उस देश की सॉवरनिटी के साथ, उधर इस्तिकामत के साथ, सबर के साथ जो वो लोग लड़े, लड़कर एक डिग्निफाइड लाइफ को, एक इज्जत की जिंदगी को अपने देश में जो बनाए, वो अमेरिका के मुसलमानों के लिए मिसाल बनेगा, वो ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों के लिए मिसाल बनेगा, वो पूरे यूरोप के मुसलमानों के लिए मिसाल बनेगा। तो इस बात को समझो, यू आर वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबल, यू आर पार्ट ऑफ ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के मुसलमानों को आज हिस्ट्री में ऐसा काम करके जाना पड़ेगा, इस काम से अमेरिका मिसाल सीखेगी, इस काम से यूरोप मिसाल सीखेगा, इस काम से ऑस्ट्रेलिया मिसाल सीखेगा, ना कि हम जाकर किसी का वीडियो शेयर कर लेकर बैठेंगे, वो आकर मेरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा, जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरा संविधान मेरे साथ है। हम यकीनन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे।